फीफा वर्ल्ड कप में लगातार तीसरे क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मोरक्को की टीम पुर्तगाल को 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। मैच के बाद रोनाल्डो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए और रोते हुए ग्राउंड से बाहर निकले। इस जीत के साथ ही मोरक्को वर्ल्ड कप के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। मैच का इकलौता गोल मोरक्को के यूसुफ एन नेसरी ने 42वें मिनट में किया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं लगा। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं।